अंग्रेजी सेना ने यहाँ सैकड़ों तोप के गोले बरसाए थे, लेकिन उन गोलों का किले पर कोई असर नहीं हुआ। वह 13 में से एक बार भी किले को भेद नहीं सके। अलाउद्दीन खिलजी ने पद्मावती को पाने के लिए बहुत कोशिश की थी। जब उसने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था तो पद्मावती ने अपनी दासियों के साथ जौहर कर लिया था, वो अग्नि में कूद गई थी, और उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी मतलब खिसिया गया। खिसियाने के बाद उसने वहाँ पर लूटपाट की, और लूटपाट में ये जो अष्ट धातु का जो गेट है, इस गेट को वो निकाल के दिल्ली ले गया। बाद में राजा सूरजमल के जो पुत्र थे जवाहर सिंह, उन्होंने दिल्ली पर आक्रमण किया और वो इस गेट को वापस ले आए। उन्होंने इस गेट को ले जाने के लिए चित्तौड़गढ़ खबर भी की थी कि आप अपने गेट को यहाँ से ले जाइए, लेकिन वहाँ से इसको कोई लेने के लिए नहीं आया। उसके बाद इस गेट को इसी किले में यहाँ पे लगा दिया गया। तो बने हुए लगभग 290 साल हो चुके हैं। तो ये जो कमरे हैं ये सैनिक कक्ष हो सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल दीवार के पास में बने हुए हैं। जैसे ही हम लोग गेट के अंदर प्रवेश लेते हैं तो जो बाहर से बाउंड्री वॉल है, जो बाहर से की हुई है, जहाँ पे जो सुजान गंगा है उसके आसपास की जो बाउंड्री है उसी के पास में ये गेट बने हुए हैं। इन गेटों की आप लोग कलाकारी देखिए, कितने पुराने गेट हैं। और इसमें अगर अंदर हम लोग चलेंगे, तैयार हो चुके हैं। ये है जवाहर बुर्ज जो सामने आप लोगों को दिख रहा है, और यहाँ पे ये एक बुर्ज बना हुआ है। देखो इसके अंदर जो पेंटिंग है ना, वो पेंटिंग आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखिए, ये पेंटिंग अभी मतलब फीकी पड़ गई है, लेकिन यहाँ पे चित्र बने हुए हैं। अगर आप लोगों को दिख रहा है तो यहाँ पे जो चित्र बना हुआ है, ऊपर लिखा हुआ शिशुपाल, यानी ये शिशुपाल का चित्र है। और इस तरह देखो वहाँ पे ये जो है, इस पे ऊपर लिखा हुआ हस्तिनापुर। तो इसी तरह की ये पेंट बनी हुई है, जो यहाँ पे पेंट की हुई है उसमें ऐसी ही कलाकृति बनी हुई है, जिसमें जगह का नाम भी लिखा हुआ है। और अभी हम चलते हैं उस बुर्ज के अंदर, जो वो ये वाला मेन बुर्ज है, और एक इस साइड और एक सेम पीछे है। इस तरह की ये छतरी बनी हुई है यहाँ पे। दोस्तों ये जो आप आयरन पिलर देख रहे हैं, इस पे आप लोग देखेंगे तो देखो छोटे छोटे अक्षरों में ये जो लिखा हुआ है, ये भरतपुर राजघराने की पूरी वंशावली यहाँ पे लिखी हुई है। किस तरह से कितनी पीढ़ियों ने यहाँ पर शासन किया था, भरतपुर पे जितने भी शासक हुए उन सभी की हिस्ट्री यहाँ पे लिखी हुई है, उन सभी के नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं इस पिलर पे। जैसे हम लोग चल रहे हैं घोसला जाता है ना, इसमें तो चिड़िया भी है, देखी क्या आई गई है। अंदर भी सेम इसी प्रकार के पिलर लगाए गए हैं, और इस जगह पे राजा बैठा करते थे। और मेरे हिसाब से ये जो है ना छोटी छोटी खिड़कियां, यहाँ पे रानी वगैरह बैठती होंगे उस टाइम। ये है शेष संया पे विष्णु भगवान, ऊपर देवता गढ़। ये मूर्ति देखो खंडित है, पैर नहीं है ना एक। दशावतार फलक, सारी खंडित मूर्तियां, लेकिन कितनी बारीकी से काम किया गया है, एक पत्थर के अंदर बनाई गई मूर्तियां।
ये किले के चारों तरफ है और इसमें पहले बता रहे टीले के ऊपर, और यहाँ पे एक गेट है, दूसरा गेट जो है, और यहाँ पे इधर भरतपुर शहर है।